नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। अमेरिका ने लश्करे तैयबा की छात्र इकाई को घोषित किया आतंकी संगठन। लश्करे तैयबा पर नकेल कसते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान आधारित इस आतंकी समूह की छात्र इकाई अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और इसके दो शीर्ष नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि लश्करे तैयबा को अमेरिका ने 2001 में ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पहली बार आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद लश्कर ने अपना नाम बदलना शुरू कर दिया था और मुखौटा संगठन बनाए ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके। उसने कहा कि इस संदर्भ में अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स लश्करे तैयबा की छात्र इकाई है। साल 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन लश्करे तैयबा से संबंधित है और उसने भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रमों और युवाओं के लिए दूसरी गतिविधियों को लेकर लश्कर के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर काम किया है। साथ ही अमेरिका वित्त विभाग ने लश्करे तैयबा के दो शीर्ष नेताओं मोहम्मद सरवर और शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। ये दोनों पाकिस्तान में रहते हैं। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक जॉन ई स्मिथ ने कहा कि लश्करे तैयबा के ये दोनों नेता आतंकी समूह की गतिविधियों को मदद करने के लिए धन की उगाही करते हैं और धन को आगे पहुंचाते हैं। सरवर पिछले 10 वर्षों से लाहौर में लश्कर का वरिष्ठ अधिकारी बना हुआ है और उसने समूह में कई भूमिकाएं निभाई है। फिलहाल वो लाहौर में लश्कर का अमीर है। वो इस पद पर जनवरी 2015 से आसीन है। दूसरी तरफ महमूद कराची में लश्करे तैयबा का वरिष्ठ सदस्य बना हुआ है। वो 2007 से इस समूह से जुड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं सुर्खियों की। मकान, कार और कृषि लोन चुकाने के लिए मिला समय। अब पुराने नोट रखने पर होगी सजा, लगेगा जुर्माना, अध्यादेश पारित। अनिल बैजल बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी बधाई। एनएसजी से बाहर होगा पाकिस्तान और भारत को मिलेगी एंट्री। तालिबान को यूएन की लिस्ट से हटवाने पर रूस, चीन और पाक सहमत, भारत चिंतित।